बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से पाकिस्तान तो बाहरों आने वाले सारे मेहमानों जी आया नू, मैनू वैसे क्या गया सी कि बाबा जी गुरु नानक साहब ने बोलना है उन्होंने खदमात के हवाले न, उही मैं पेपर लिख के लैके आई सा। इजाजत हो मेरे तन सो कागज कलम तन तन पांडा तन मास तन लिखारी नानका जिस नाम लिखाया सच। पंजाब की धरती सूफिया दरवेशा ते अल्लाह वालिया नाल भरी हुई है। हर समय विच कोई ना कोई अल्लाह वाला लोकाई नू हिदायत दे सीधे राह उत्ते टोरन लई मौजूद होंदा है। इन्हां सूफिया ते अल्लाह वाले लोगों में ही एक नाम बाबा गुरु नानक देव जी होरां दा भी है। मुसलमान सूफिया ते बाबा नानक जी दे विचारां विच रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है। एहो कारण है भई ये सारे लोग इको संगत दियां कड़ियां जापते ने। बाबा नानक जी का प्रकाश 15 अप्रैल 1469 अजोके जिला शेखपुरा के पिंड तलवंडी विच होया, जिन्हों हुण ननकाना साहब भी आख्या जाता है। आप जी के वालिद मेहता कालू सन, जिन्हों का असल नाम कल्याण चंद सी, जेड़े एक मेहनतकश खिश्तरी सन, जबकि उन्होंने माता जी का नाम तृप्ता देवी सी। मेहता कालू ते तृप्ता देवी की पहली औलाद एक धी सी जिदा नाम नानके घर जमन पारों नानकी रखा गया। इन्हों मगरों बाबा नानक जी का जन्म होया तो बाद रिवायतों मौजब आप जी का नाम भी नानके घर जमन पारों नानक रखा गया, जबकि कुछ सूझवान के विचार ने भी आपका नाम नानकी होर की मुनासबत नानक रखा गया। उस वेले दिल्ली के पूरे हिंदुस्तान उत्ते लोधियां की हुक्मरानी सी। गुरु नानक जी का बचपन भी आम बाला वाग सीधा साधा ही सी। वह भी अपने हम उम्र बाला नाल खेडते, पर कदी कदार वह खेड तो ला तालुक होकर अपने आप में गवार जाते सन। वड्या नाल आज जी ते अदब नाल पेश आते, मुढ़ले तौर पर आप बड़े जहीन ते समझदार सन। हादसे ते तेज होने पारों ही वह अपने उस्तादा वालों दसी हर गल नू छेती समझ आते। नानक जी निके होंदिया ही 35 बंदा की एक नज़म गुरमुखी विच लिख के अपने उस्तादा नू हैरान कर दिता। गुरु जी बाल होने तो ही इंसाना दी जाता बरादरिया ते तबकियां दी बुनियाद ते बनते सत खिलाफ सन। एदा इजहार उन्हां दा जनेऊ पावन तो इनकार करन वाले वाक्य तो चंगे तौर पर होंदा है। इस वाक्य नू सरदार जी सिंह होरी इंज बयान करते हैं कि नानक के पिता कालू ने नानक नू जनेऊ पाने लई वड्डी तकरीब रखी, जिदे विच 11 बेलियां ते रिश्तेदारां नू भी सद्या गया। पंडित हरदयाल जेड़े खानदान के परोहित सन, उन्हें चबूतरे उत्ते बह के दीवा बालिया ते धूप दी खुशबू नाल माहौल नू मुअत्तर कीता। फिर जनेऊ उत्ते परोहित ने मंत्र पढ़िया। इन्हों मुढ़लियां रस्मां तो वेले होके नानक नू पाउण लई जनेऊ लैके अगे वधे तो नानक ने रोक के पूछया, इस डोरे का मतलब की है? तो पंडित ने जवाब दिता, यह जनेऊ है ते दोबारा जन्म लैण दी निशानी है। नानक जी ने कहा, तुसी इन्हां निशानियां नाल एक इंसान नू दूजे इंसानां तो वखरा करदे हो। असल विच इंसान अपने अमाल बारों ऊंचा नीवा हुंदा है। इस किस्म की कोई निशानी मैं नहीं पावांगा, फिर यह डोरा तो मैला होके एक दिहाड़े टुट जाएगा। बाबा नानक होरां दा यह आखना भी ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान ही उन्हां दा पहला सबक है, जिदे विच इंसानां नू मजहब या किसी होर बुनियाद उत्ते वंडन की निंदा की गई है। उन्होंने मुजब सारे इंसानों का सृजनहार इको एक रब है, वह सारे का पालनहार से सहारा है। जिमें आप फरमाते हैं कि बंद तुत्ता बेरी नहीं ना तुला ना हार, नानक सच्चे नाम बिल किते डुबे सा। एक होर थान से फरमाते हैं कि दुखी दुनी सहेड़िए जाए ता लगे दुख, नानक सच्चे नाम बिल किसे ना लखी दुख। जिमें पहला गल की गई है कि बाबा गुरु नानक देव जी के विचार तालीमात जिन्हों का प्रचार पंजाबी के मुसलमान सूबे करते चले आए हैं, खास करके बाबा फरीदुद्दीन मसूद गन शक्कर की विचारधारा के असरात बाबा नानक जी के कलाम विच परवे तौर पर नज़र आते हैं। यह सबूत नानक जी के यह बोल ने कि महर मुसीब सिदक मसला
हक हलाल हर कुरान शर्म सुन्नत से रोजा होवे मुसलमान करनी काबा सच पी कलमा करम नमाज तस्वीर सातिस पावसी नानक रखे लाज एना शब्दां विच बाबा नानक जी ने सीधे सादे अंदाज नाल कलमे कुरान नमाज ते रोजे दी जड़ी हकीकत बयानी है वह 16 आने सच है यह सारिया गल्लां इस्लामी तालीमात दा निचोड़ है बाबा गुरु नानक जी झूठ बोलन ते झूठे लोगों की निंदा करते हैं उन्हां मुजब झूठ का कोई वजूद नहीं है ना ही एडी कोई सच्चाई होंदी है इंजे झूठे बंदे का वजूद किवें साफ हो सकता है एहो सारिया बुराइया ते पैड़ां दी जड़ है फरमाते ने कि मन झूठा तन झूठा है बहु झूठी होए मुख झूठा झूठ बोलना क्यों कर सच्चा होए ऐसे गल नूं ओए होर ढंग नाल इंज बयान करदे ने कि जिते चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित कठोर जिओ तिन तिन मुख नाम ना उपजे दूजे व्यापे चोर जिओ बाबा नानक जी कहते ने जिन्हां दे मन मैले होन उन्हां दे मुंहों हक सच की गल निकलना डाढ़ा औखा होंदा है क्यों जो दुई नाल परे होए होंदे ने अजिहे चिट्टे लीनिया ते मैले मना वाले कठोर लोग सिर्फ जाहिरदारी ते जोर देंदे ने यह जाहिरदारी उन्हां दे मना नूं कदी भी साफ नहीं होन देती भावें वह किन्नी तीर्थ यात्रा क्यों ना कर लैन इस हवाले नाल नानक जी का यह शब्द देखो नौन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर एक पाओ लथी नात्यां दूजी पाओ चढ़ी होर बाहर धोती तुंबड़ी अंदर विस नकोर और साध पले अन नात्यां चोर सचोरा चोर पंजाबी दे मुसलमान सूफिया वांग गुरु नानक जी ने भी गरूर ते तकबुर दी रच के नंदिया कीती है उन्हां मुजब गरूर ते तकबुर दा ओ करे जड़ा फानी है जिन्हें हमेशा बाकी रहना है ऐ वसब फानी ते फना हो जान वालियां नूं शोभा नहीं देंदा ते जदों मन इन्हां नाल मैला होवे तां बंदा कुछ भी सोचन समझन तो आरी हुंदा है गुरु नानक जी मुजब अखर पढ़ पढ़ भुलिए पेखी पेखी बहुत अभिमान तीरथ नाता क्या करे मन मां बैल गुमान गुरबिन किन समझाइए मन राजा सुल्तान कुरान पाक विच फरमान है बारी ताला है पर हर जीरू ने मौत दा जायका चखना है मतलब ऐवे पर जिवे इस कायनात विच पैदा होन वाली हर शय फानी ते फना होन वाली है इंजे इंसान भी पावे जिन्नी मर्जी लंबी लंबी हयाती लगा लवे ओदा नित ओदा अंत मौत ही है जिदी हकीकत तो इनकार नहीं कीता जा सकता मौत दा वेला मुकर्रर है एक पल ना अगे ना पिछे ऐसे गल नूं बाबा नानक जी इंज पर बयान करदे ने कि मरण ना मूरत पुछिया पुछी तिथ ना बार एक नी लद्या एक लद चले एक नी बदे बार बाबा गुरु नानक जी मौजब इंसान अपने कर्मा दा जिम्मेदार आपे ही है वो चाहे तो अपने कर्मा नाल अपनी ते दूजियां दी हयाती नूं अमृत बना देवे ते जे चाहे तो हयाती विच विस खोल देवे फरमाते ने कि नानक माया करम बरक फल अमृत फल विस सब कारण करता करे जिस खवाले तिस रब वाले बंदे अपने मकसद नूं हासिल करन ते लोकाई नूं हदायत ते सिद्धे राह उत्ते टोरन ते दिलां नूं फतह करन लई तलवार दा वरतारा नहीं करदे सगों उन्हां दा सारिआं तों वड्डा हथियार हिकमत हुंदा है ओह वेले थां मौका महल ते लोकाई दी समझ बूझ नूं मुख मुड़ रख के ना सिर्फ गल करदे ने सगों अपने अमल नाल अपने आल दुआले दे लोकां दे दिलां ते दिमागां नूं फतह कर लैंदे ने ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਮਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਹਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਖਲੂਸ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਸਾਵਾਤ ਦੇ ਕਾਇਲ ਸਨ ਔਰ ਰੱਬ ਤੀਕਰ ਅਪਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਜਾਂ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਸਾਦਗੀ ਨਫਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਖਲੂਸ ਮੁਹੱਬਤ
ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਬ ਦੀ ਅਪੜਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਮਹਿਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾ ਨਾ ਕੱਚ ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰਤਾ ਸੱਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।